दिङ् नामान्यन्तराले। यह सूत्र भी बहुव्रीहि समास करता है। इस सूत्र के द्वारा जिन शब्दों में समास किया जाएगा अथवा जिन शब्दों का समास किया जाएगा वह शब्द दिशावाचक होंगे, और दिशावाचक होते हुए भी रूढ़ शब्द होंगे, अर्थात दिशाओं के वो नाम होंगे, रूढ़ शब्द होंगे, रूढ़ संज्ञाएं होंगी दिशाओं की, उन्हीं में यह समास करेगा। और जो यौगिक दिशावाचक शब्द हैं उनमें तद्वाचक जो शब्द होंगे उनमें यह सूत्र समास नहीं करता है। दो प्रकार के दिशावाचक शब्द प्राप्त होते हैं, एक तो रूढ़ दिशावाचक शब्द हैं और एक यौगिक दिशावाचक शब्द हैं। रूढ़ दिशावाचक शब्द पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह है, पुल्लिंग में तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार से बोला जाएगा, स्त्रीलिंग में पूर्वा पश्चिमा उत्तरा दक्षिणा इस प्रकार से बोला जाएगा। अनादिकाल से जिस दिशा से सूर्योदय होता है उस दिशा को पूर्वा दिशा कहा जाता है, जिसमें सूर्यास्त होता है उसको पश्चिमा दिशा कहा जाता है। तो यह व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है, इसीलिए पूर्वा पश्चिमा उत्तरा दक्षिणा यह रूढ़ शब्द हैं दिशा अर्थ में। और ऐसे ही इनके उपनाम भी होते हैं जिनको यौगिक कहा जाता है, जैसे पूर्वा दिशा का ही दूसरा नाम है ऐन्द्रीय दिशा। अब पूर्वा दिशा को अर्थ ऐन्द्रीय दिशा कहते हैं, ऐन्द्रीय दिशा किस कारण कहते हैं, तो इंद्रः देवता अस्याः दिशायाः सा दिशा ऐन्द्रीय, इंद्र हैं देवता जिस दिशा के उस दिशा को कहते हैं ऐन्द्रीय। तो इंद्र देवता से संबंधित होने के कारण से पूर्व दिशा को, पूर्व दिशा का दूसरा नाम ऐन्द्रीय दिशा भी कहा जाता है। अब पूर्व दिशा का जो पूर्व नाम है या पूर्वा नाम है वह तो रूढ़ हुआ, किंतु जो ऐन्द्रीय नाम है वह यौगिक हो गया, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया से निष्पन्न यह नाम होता है। इंद्र देवता अस्याः, इस विग्रह में इंद्र इस इंद्रसु इस प्रातिपदिक से, फिर सास्य देवता इस सूत्र से, तद्धित का अण प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि होकर के ऐन्द्र शब्द बनता है। स्त्रीत्व विक्षा में टिड्डाणे द्वैसज दघ्नय मात्र स्तैप ठक ठैं कहीं कौरपह सूत्र के द्वारा ङीप होकर के ऐन्द्री इस प्रकार का रूप बनता है। तो ऐन्द्री जो रूप बना, ऐन्द्री जो शब्द निष्पन्न हुआ यह पूर्व दिशा का ही वाचक है, किंतु यह यौगिक है। इसी प्रकार से जो अन्य दिशाएं हैं, पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा को का दूसरा ही नाम वारुणी दिशा है, वरुणः देवता अस्याः सा वारुणी, वरुण देवता से संबंधित होने के कारण से पश्चिम दिशा का नाम, पश्चिम दिशा का दूसरा नाम वारुणी दिशा है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा है उसको कौबेरी कहा जाता है, कुबेरो देवता अस्याः सा कौबेरी, कुबेर दिशा से संबंधित होने के कारण से कौबेरी, वही सासी देवता सूत्र से अण प्रत्यय हो जा रहा है सर्वत्र, और टिड्डाणे सूत्र के द्वारा ङीप होकर के ऐन्द्री कौबेरी इत्यादि रूप निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा है उसको याम्यादिक कहते हैं, याम्या दिशा कहते हैं, यमो देवता अस्याः सा याम्या, यम है देवता जिसके उसको याम्या दिशा कहते हैं, तो याम्या दिशा दक्षिण दिशा हो गई। तो इस प्रकार से पूर्वा पश्चिमा उत्तरा दक्षिणा यह तो रूढ़ नाम हुए, और ऐन्द्री कौबेरी याम्या इत्यादि इसके, वारुणी इत्यादि इसके यौगिक नाम हुए। तो जब जहाँ पर रूढ़ दिशावाचक शब्द आएंगे पूर्वा पश्चिमा उत्तरा दक्षिणा उन्हीं का समास यह सूत्र करेगा, जो यौगिक दिशावाचक शब्द हैं उनका यह समास नहीं करता है। यह इस सूत्र की एक विशेषता है। यह बात कैसे पता चलती है, तो उसी का विवेचन सूत्र के विवेचन के प्रसंग में किया जाएगा कि सूत्र बनाया गया दिङ् नामान्यन्तराले, दिशाम नामानी दिङ् नामानी अंतराले दो पद का सूत्र है। दिङ् नामानी प्रथम व्यक्ति बहुवचन का है, अंतराले सप्तमी व्यक्ति एकवचन का है, दो पद का सूत्र है। जिज्ञासा होती है कि दिङ् नामानी में नामक ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, दिशोंतराले इतना ही सूत्र बनाया जाए। दिग्वाचक शब्दों का अंतराले, अंतराल शब्द का मतलब है मध्य, दो दिशाओं का मध्य अर्थ, यह अंतराल शब्द का अर्थ है। तो दो दिशाओं का मध्य अर्थ अगर गम्यमान हो रहा है समस्त पद से, तो वहां पर जो दिशावाचक रूढ़ शब्द हैं उनका समास इस सूत्र के द्वारा होता है। तो प्रश्न होता है कि नामक ग्रहण करने के सूत्र में आवश्यकता क्या है, दिशोंतराले इतना ही सूत्र बनाया जाए तब भी तो समास हो ही जाएगा। तो नामक ग्रहणाद यौगिका नाम न, इस प्रकार से आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति लिखी है कि नामक ग्रहण बलात्, सूत्र में नामक ग्रहण किया गया है, नामक ग्रहण बलात् यौगिका नाम न, जो यौगिक दिशावाचक शब्द हैं उनका फिर समास नहीं होता है। यह इसका फल है, उसका फल भी आगे दिखाएंगे।
तो मूल बात ये हुई, दिशा अर्थ में जो रूढ़ शब्द हैं उनका, दोनों ही शब्द दिशा अर्थ में रूढ़ होंगे, उनका अंतराले दो, उन दोनों दिशाओं का अंतराल मध्य अर्थ गम्यमान होने पर मध्य अर्थ को बताने के लिए समास होगा, और समस्त पद के द्वारा उन दोनों दिशाओं के मध्य की जो दिशा है उस दिशा का बोध होगा। समस्त पद दोनों, उन दोनों दिशाओं के मध्य में विद्यमान जो दिशा, तीसरी दिशा, उसका बोधक होता है। उसका उदाहरण, उसी को वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं, दिशो नामानी अंतराले वाच्य प्रागवत। दिशो नामानी, दिशा के वाचक जो नाम है, जो रूढ़ शब्द है, वह अंतराले वाच्य, उन दोनों दिशाओं का अंतराल मध्य अर्थ वाच्य होने पर, मध्य अर्थ गम्यमान होने पर प्रागवत पहले की तरह उनका समास हो जाता है और वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका उदाहरण इन्होंने दिया दक्षिण पूर्वा। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक दक्षिणा शब्द है और एक पूर्वा शब्द है। तो दक्षिणा शब्द भी दिशार्थ में रूढ़ है और पूर्वा शब्द भी दिशार्थ में रूढ़ है। पुल्लिंग में दक्षिण और पूर्व कहते हैं, स्त्रीलिंग में दक्षिणा और पूर्वा कहते हैं। अजाजित स्टाप से टाप हो जाता है तो दक्षिणा बन जाता है, पूर्वा बन जाता है। तो दक्षिणा शब्द भी दिशार्थ में रूढ़ है, पूर्वा शब्द भी दिशार्थ में रूढ़ है। दोनों ही दिशावाचक शब्द हैं, रूढ़ हैं, और इन दोनों का समास होने पर समस्त पद से जो इन दोनों दिशाओं के मध्य की दिशा है, आग्नेय दिशा, दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशः अथवा दिशायाः अंतरालम् या दिक्, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के मध्य की जो दिशा है वह है आग्नेय दिशा। तो उस आग्नेय दिशा का बोधक हो जाता है दक्षिण पूर्वा यह पद। तो दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशा अंतरालम लौकिक विग्रह हो गया, दक्षिणांगस पूर्वांगस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह में दिंग नामान्यंतराले इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया गया, समासत्प्रातिपदिक संज्ञा सुबोधात्प्रातिपदिक शुभलोक हो जाएगा, दक्षिणा पूर्वा ऐसी स्थिति बनेगी। अब दक्षिणा पूर्वा, यहाँ पर दक्षिणा शब्द सर्वनाम है इसलिए इसको सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबद भाव से पुंबद भाव हो जाएगा, दक्षिण पूर्वा इस प्रकार का रूप बनेगा। स्त्रीत्वम लोका, दक्षिण पूर्वा शब्द अथवा दिशावाचक शब्द लोक में स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं इसलिए समस्त पद स्त्रीलिंग में चले जाएगा। तो दक्षिण पूर्वा दिक, दक्षिण पूर्वा कौन हुई, आग्नेय दिशा हुई, दक्षिण और पूर्व, पूर्व और दक्षिण, या दक्षिण और पूर्व इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में जो दिशा होती है उसको आग्नेय दिशा कहते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण पूर्वा शब्द आग्नेय दिशा का बोधक हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि दक्षिणा शब्द तो फिर उपसर्जन हो जाता है, आग्नेय दिशा का बोधक हो जाता है, इसीलिए इसकी तो सर्वनाम संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु सर्वादय व्यवस्था से। तो उसका समाधान दिया गया महाभाष्यकार के द्वारा कि भूतपूर्व गत्या सर्वनामत्वम, कि पूर्व में विद्यमान जो सर्वनामत्व था उसी को लेकर के सर्वनाम संज्ञा यहाँ पर कर दी जाती है, तो उसको पुंबद भाव निर्बाध रूप से हो जाता है। तो दक्षिण पूर्वा इस प्रकार का आरोप निष्पन्न हो जाता है। तो ये दोनों शब्द रूढ़ थे और उन रूढ़ शब्दों का आग्नेय दिशा अर्थ में, जो उनके मध्य की दिशा है आग्नेय दिशा, उस अर्थ में समास हो गया दक्षिण पूर्वा, यह रूप निष्पन्न हो गया। उसी को लिखा है दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशा अंतरालम दक्षिण पूर्वा। आगे लिखते हैं नामक ग्रहणाद यौगिका नाम न, सूत्र में जो नामक ग्रहण किया गया है, नामक ग्रहण बलात् यौगिका नाम न, जो यौगिक शब्द हैं उन यौगिक जो दिशावाचक शब्द हैं उनमें समास नहीं होता है। उसका उदाहरण देते हैं एन्द्रियाश्च कौबेरियाश्च अंतरालम दिक, यहाँ पर समास नहीं होगा, ऐसे ही वाक्य ही रह जाएगा। एन्द्रियाश्च कौबेरियाश्च, एन्द्रिय दिशा हो गई पूर्व दिशा, कौबेरी दिशा हो गई उत्तर दिशा, इन दोनों के बीच में होने वाली जो दिशा है वह है ऐशान्या दिक, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा इन दोनों के बीच में होने वाली जो दिशा है उसको कहते हैं ऐशान्या दिक। तो इस ऐशान्या दिक अर्थ में विद्यमान जो ऐन्द्री और कौबेरी शब्द हैं उनका समास नहीं होगा, क्योंकि ऐन्द्री और कौबेरी शब्द यौगिक हैं, रूढ़ नहीं हैं। कुबेर देवता से संबंध होने के कारण से उत्तर दिशा को कौबेरी कहा जाता है, इंद्र देवता से संबंधित होने के कारण से पूर्व दिशा को ऐन्द्री कहा जाता है, इसलिए यौगिक हुए। यौगिक होने के कारण से इनमें समास, इस ऐन्द्रियाष्ट और कौबेरियाष्ट इत्यादि विग्रह में समास नहीं होगा, ऐन्द्र कौबेरी इत्यादि रूप नहीं बनेगा, अपितु वाक्य ही रह जाएगा ऐन्द्रियाष्ट कौबेरियाष्ट दिशा अंतरालम। इस प्रकार से वाक्य ही प्रयोग होगा, दक्षिण पूर्वा की तरह ऐन्द्र कौबेरी इत्यादि समस्त पद का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐन्द्री और कौबेरी
अंधेरी दोनों ही यौगिक शब्द हैं। तो इस प्रकार से पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है उसको आग्नेय दिशा कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको नैऋत्य दिशा कहते हैं। अग्नि ही देवता अस्याह सा आग्नेयी, जिस दिशा के देवता अग्नि हैं उसको आग्नेय दिशा कहते हैं। यह आग्नेय दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको नैऋत्यादिक दिशा कहते हैं। निरृति देवता अस्याह सा नैऋत्यादिक, निरृति है देवता जिसके उसको नैऋत्यादिक कहते हैं। यह दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है। इसी प्रकार से पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको वायव्य दिशा कहते हैं। वायुर देवता अस्याह सा वायव्या, वायु है देवता जिसके उसको वायव्य दिशा कहते हैं। तो यह दक्षिण और यह पश्चिम और उत्तर के बीच में होती है। इसी प्रकार से उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसको ईशान्या दिशा कहते हैं। ईशानो देवता अस्याह सा ईशान्यादिक, ईशान है देवता जिसके उसको ईशान्यादिक कहते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रमुख दिशाएं हुई और चार अन्य इसके अतिरिक्त चार और यौगिक दिशाएं होती हैं। इसके अलावा पूर्व और ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, इस प्रकार से दो दिशाएं और मान ली जाती हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 10 दिशाएं मानते हैं। उनमें भी 8 प्रमुख हैं, उनमें भी 4 सर्व प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से जो यौगिक होंगे उनमें समास नहीं होगा, जो रूढ़ होंगे उन्हीं में समास होगा। यह इस सूत्र का सार है। इस विवेचन के बाद इस दिंग नामान्यंतर आले इस सूत्र का विवेचन भी पूर्ण हो जाता है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है तत्र तेने दमिति स्वरूपे। यह बड़ा विचित्र समास विधायक सूत्र है। इसके द्वारा जो समास किया जाता है वह भी विचित्र कोटि का ही है। उदाहरण भी इसके विशिष्ट हैं, जिसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।